देखिए प्रवीण के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 76 और पैरों की संख्या 212 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? अब मुर्गे निकालना है। अब देखिए तो मान लीजिए यहाँ माना कि मुर्गे की संख्या x और बकरियों की संख्या y। बकरियों की संख्या y दोनों को मान लिए, अब x और y। तो देखिए अब हमको मुर्गे निकालना है तो x का मान निकालना है। अब एक दूसरे हल करेंगे, समीकरण एक निकालेंगे तो पहला है 76 कुल सिरों की संख्या, तो कुल सिरों की तो x प्लस y बराबर 76, तो ये हो गया सिरों की संख्या। x प्लस y बराबर 76 हो गया, सिरों की संख्या 76 है तो x प्लस y समीकरण एक मान लिए। अब समीकरण दो में आइए, अब देखिए पैरों की संख्या क्रॉस, तो पैरों मुर्गों की पैरों की संख्या कितना होता है? दो, तो मुर्गा के दो होता है तो 2x यहाँ हो जाएगा। अब प्लस बकरियों के पैरों की संख्या कितना होता है? 4, तो इसलिए 4y हो जाएगा। वाई माने हैं बकरी का बराबर कुल कितना है? 200। पैरों की संख्या यहाँ देखिए पैरों की संख्या 212 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? तो पैरों की संख्या तो 2x, दो को मुर्गा का पैर होता है, 4 को करिया के, अब 212 है, दोनों की संख्या 212। यहाँ समीकरण दो मान लिए और एक दूसरे हल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए अब हल कर रहा हूँ, गुना कर देते हैं, इसका बाई का कटना है, एक्स का मान हमको निकालना है तो बाई को काट दीजिए। तो यहाँ 4 है तो 4 से यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ गुना कितना है? बाई के सीधे गुना 1 है तो 1 से गुना कर दिए यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 4 गुना एक्स तो 4x यहाँ हो जाएगा, प्लस 4 गुना वाई 4y हो जाएगा, यहाँ 76 गुना 4 24 के 4 28 29 30 हो जाएगा, यहाँ 304, 4 से गुना 76 चौको 304। अब यहाँ से ओवन से गुना 17 तक 2x ही हो जाएगा, यहाँ 2 ओवन से गुना 4x में प्लस 4x हो जाएगा 4y, 4 गुना वाई 4y, आई ओवन से गुना 212 तो ही हो जाएगा 212। उसी तरह से हल कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे प्लस प्लस नहीं कटे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर यहाँ देखिए घटाने पर लिखे, अब काट रहे हैं, जब चेंज करेंगे तो पहले से ही प्लस छिपा हुआ है तो जब माइनस कर देंगे माइनस का वैल्यू हो गया, ये प्लस है तो माइनस का वैल्यू हो गया, अभी प्लस है तो माइनस का वैल्यू हो गया, सब चेंज हो गया। वाई 4y प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 4x में से 2x भी माइनस है तो प्लस माइनस रहता है तो घटता है, चेंज होता है वर्णांक वाला। अभी 4 में से 2 गया 2x रह जाएगा और बराबर ख़त्म हो गया, बराबर 212 में से 304 घटा देंगे तो कितना होगा? देखिए साइड में घटा दीजिए, साइड में 304 भागा घटाओ 212, 2 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 92 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, 92 बच जाएगा, 304 में से 212 तो 92 माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस घट गया, चेंज होगा बड़ा अंक वाला, बड़ा अंक में प्लस है इसलिए प्लस छ पावर रहता है, एक्स बराबर 92 गुना में साइड आके भागा में तो एक्स बराबर काट दीजिए 46 दूनी तो यहाँ 46 एक्स बराबर। अभी
मुर्गे की संख्या निकल गया। एक्स बराबर मुर्गे की संख्या, एक्स माने थे अब मुर्गा की संख्या, ये आंसर हो गया। अब पूछता बकरियों की संख्या, यहाँ पूछ रहा है कितने मुर्गे हैं, तो मुर्गे 46 हैं। बकरियों को पूछते थे बकरी के माने हैं भाई, तो इस एक्स का मान यहाँ लिखते हैं, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 46, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 46, एक्स का मान बैठा देंगे यहाँ 46 प्लस वाई बराबर 46, तो वाई बराबर 46 प्लस में इस साइड माइनस में, तो ये 76 है। एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ 76 है, 76 तो ये 76 हो जाएगा, इधर प्लस में साइड माइनस 46 घट गया तो कितना हो गया 7 में 4 3 30, अभी बकरियों की संख्या हो गया। बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या पूछता बाई हो गया, बकरियों की संख्या और मुर्गे की संख्या हो गया एक्स। देखिए प्रवीण के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 76 है तो कुल सिरों की संख्या एक्स प्लस वाई बराबर 76 करा, पैरों की संख्या 212, तो मुर्गा का होता है 1 2, तो 2x मान लिए, बकरी को होता है 4 पर, तो 4x 4y, तो 2x प्लस 4y बराबर संख्या कितना है 212। समीकरण 1 2 से हल कर दिए, तो यहाँ 4 से गुना, इस तरह से इधर काटना हमको बाइक, तो इसका बाइक गुना कितना है यहाँ 1, इसका बाइक गुना यहाँ 4 है, तो 4 समीकरण 1 से गुना कर देंगे, इसका 1 है तो 1 समीकरण 2 में गुना कर देंगे, इस समीकरण 1 में गुना कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ 1 गुना कर देंगे, 4 में एक्स तो 4x, 4 में वाई तो 4y, फिर यहाँ 4 गुना 76 304, फिर उसी तरह 1 से गुना 2x में तो 2x प्लस 4y गुना 1 तो 4y, फिर 212 गुना 212 गुना 1 तो 212। अभी प्लस माइनस है तो यहाँ लिखेंगे, घटाने पर प्लस प्लस कभी नहीं कटेगा, तो चेंज कर दिए, यहाँ हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये प्लस पहले से है तो माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस छिपा हुआ है माइनस, अब यहाँ कर दिए बाई बाई कट गया, तो 4x में से 2x गया तो चिन्ह होगा प्लस माइनस घटेगा चिन्ह होगा बढ़ांक वाला, तो 2x बराबर 2 304 में से 212 जाएगा चिन्ह आ जाएगा बढ़ांक वाला प्लस में, तो 92 गुना में इधर भागा में, तो x बराबर 46, तो मुर्गे की संख्या निकल गया, मुर्गे की संख्या 46 और बकरियों की संख्या कितने मुर्गे हैं, तो मुर्गों की संख्या 46 हो गई और बकरी का भी, बकरियों की संख्या 30 हो गया। पूछ रहा है मुर्गे की संख्या, 30 का आंसर होगा उत्तर में 46, यहाँ उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो उसके पास उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो 46 आंसर हो गया है, 46 मुर्गे हैं। एक मान निकालें, इस तरह से क्वेश्चन मान निकालें, यहाँ √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1 √3 - 1, तो इसका भिन्न के जोड़ कर देना है, तो √3 + 1 √3 - 1 के लघुत्तम, तो दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ गुने में छोड़ देंगे √3, यहाँ देखिए √3 + 1 √3 - 1, अब देखिए दोनों के लघुत्तम ले लिए, दोनों के गुना में छोड़ दिए, अब उसी तरह से यहाँ से भागा देंगे तो एक कट जाएगा, एक √3 - 1 √3 - 1 से गुना कर देंगे, तो दोनों में यहाँ देखिए
रूट थ्री माइनस वन गुना रूट थ्री माइनस वन, दोनों में गुना करेंगे तो रूट थ्री माइनस वन के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसी तरह रूट थ्री में से ये दोनों में से भागा देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा रूट थ्री प्लस वन। और देखिए तो यहाँ रूट थ्री प्लस वन के होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए बराबर इस तरह से बराबर रूट थ्री रूट और रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन, तो ऊपर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, माइनस टू ए के जगह पर रूट थ्री है और बी के जगह पर वन है गुना में, फिर उसी तरह प्लस इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए के जगह पर रूट थ्री है बी के जगह पर वन है ना हो गया बटा। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो रूट थ्री के होल स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर का। अब देखिए रूट थ्री के होल स्क्वायर केवल थ्री हो जाएगा, रूट थ्री के होल स्क्वायर दो बार गुना करते हैं तो केवल थ्री प्लस वन के होल स्क्वायर तो वन गुना वन वन माइनस टू रूट थ्री गुना तो रूट यहाँ हो जाएगा टू रूट थ्री, उसी तरह प्लस ये रूट थ्री के होल स्क्वायर केवल थ्री प्लस वन के होल स्क्वायर केवल वन एट प्लस टू रूट थ्री प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा बटा रूट थ्री के होल स्क्वायर केवल थ्री माइनस वन के होल स्क्वायर माइनस वन। अब देखना है थ्री प्लस वन तीन एक चार, इसी तरह तीन एक चार, फिर उसी तरह चार चार हो गया तीन एक चार तीन एक चार बाग खत्म हो गया, नीचे में तीन में से दो एक गया दो ये हो गया चार चार आठ आठ बटा टू कट गया कैंसिल हो गया चार बराबर चार आंसर हो गया। इस तरह से कि इतना का मान निकलना है ठीक है, तो इतना करते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो गया रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन, भागा करते हैं ये दोनों से भाग किए एक खत्म हो गया यही बचा एक इससे गुना हो गया रूट थ्री माइनस वन तो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, उसी तरह इससे भागा खत्म हो गया बचा ही रूट थ्री प्लस वन गुना रूट थ्री तो रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर के ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो उस तरह से ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी रूट थ्री के होल स्क्वायर केवल थ्री होता है प्लस वन के होल स्क्वायर केवल वन होता है माइनस टू रूट थ्री हो गया प्लस, उसी तरह रूट थ्री के होल स्क्वायर केवल थ्री प्लस वन टू रूट थ्री प्लस माइनस कैंसिल हो गया और तीन एक चार यहाँ तीन एक चार प्लस तीन एक चार थ्री में से टू गया और रूट थ्री के होल स्क्वायर केवल थ्री और रूट वन का स्क्वायर केवल वन ठीक है। अब तीन में से टू गया दो तीन में से एक गया तीन में से एक गया तो दो एक चार चार आठ 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 टू यहाँ कट गया चार मरा तो चार आंसर हो गया।